हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो फिर हम लोग देखते हैं हर एक क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहता है, देखो यहाँ एक रिएक्शन लिखा हुआ है और उसमें आप लोगों को क्या बताना है वो समझो। तो इसमें लिखा हुआ है 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y एंड इक्वल टू, या फिर गिव्स आउट 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में Y है, यानी कि आपको इसमें Y को बताना है, इसमें उस वो क्या है। अब आप एक काम करना, इस इधर एक खाना बनाना, ऐसे एक लाइन खींचना एंड इधर आप ये रासायनिक अभिक्रिया लिखना, इधर ये रासायनिक अभिक्रिया। अब दोनों में जैसे 2Fe इसमें है तो 2Fe इसमें है तो इधर लिख देना, इधर लिख देना, सब जब बराबर हो जाए और y बचे तो y के इधर जो बचे वही उसका मान हो जाएगा। तो जो मतलब बच जाए एडवांस में, और इस अभिक्रिया में केवल एक चीज एडवांस में बचेगा, वो क्या है, वो है SO2, ठीक है, एंड SO2 बच जाएगा, इसलिए ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ये याद रखना। 2Fe इधर भी है, 2Fe इधर भी है, एंड Cl3 कितना है 6, और इधर भी 6 है 2, एंड इधर 2 2 4, यानी कि 4 2 6, ठीक है, एंड फिर H2, ऐसे में आपका SO2 बचेगा, आप देख लेना, ठीक है, इस साइड में SO2 बचेगा, इस साइड में Y, तो Y इक्वल टू SO2 होगा, ठीक है, ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 2, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। देखो क्षारक, क्षार आप लोगों ने सुना होगा नाम, क्षार यानी कि क्षार जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 10 7 के ऊपर होता है, 7 के नीचे अम्ल होता है। तो इसमें जो क्षार है अगर हल्दी के साथ मिलाया जाए तो उसका रंग क्या होगा, ए है पीला, वी है भूरा लाल, सी है नारंगी, डी है हरा। तो अब इसमें बताओ आपका कौन सा सही आंसर हो सकता है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा वो होगा भूरा लाल, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना क्षार के साथ जो है ना हल्दी का रंग क्या होता है, भूरा लाल होता है, याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्षार के साथ हल्दी का रंग क्या होता है, भूरा लाल होता है। अगला देखो प्रश्न नंबर 3 है कि अम्लीय वर्षा, जैसे अम्लीय वर्षा का नाम सुना होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, पढ़ लेना, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है, यानी कि संभावना में कितना हो सकता है पीएच मान, किसका, अम्लीय वर्षा का। अब बात यहां अम्लीय वर्षा की आई है, यानी कि अम्ल इसमें उपस्थित होगा, तो अम्ल उपस्थित होगा तो यह 7 से कम होगा, ठीक है, और अगर 7 से कम होगा तो कितना हो सकता है, यहां देख लो। अब आपके ये दोनों तो बिल्कुल कट गए क्योंकि 7 से कम होगा, अब आपका बचा 5.2 एंड 6.3, ठीक है। अब आप याद रखना कि इसमें जो है ना, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5.2, ये भी आपका गलत है, ओके। तो यहां से अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होगा, 5.2, ओके, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा इजी हैं क्वेश्चंस, आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अच्छे अच्छे तो ऐसे में आप इन सबको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, एंड आप लोग इसे नोट कर लेना, जितना मैं बता रहा हूं सबको नोट बना लो अच्छे से, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग अच्छे से, और उसको नोट करो क्योंकि मैं बहुत ही लॉन्ग पढ़ाने वाला हूं हर एक चीज, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितने आपके सिलेबस हैं, एंड पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा जल्दी। देखो अगला है एंटीमनी, एंटीमनी है ये भाई धातु अधातु चैप्टर है, तो एंटीमनी आपने नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी है धातु एवं अधातु में, तो एंटीमनी आपका क्या है ये बताना है, ए आपका धातु है कि बी आपका उपधातु है कि सी आपका, सॉरी बी आपका अधातु है कि सी आपका उपधातु है कि डी आपका मिश्र धातु है। अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे, और इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है ये आपको बताना है, ओके। तो इसमें आपका कौन सा सही है ये आप लोग जानते हो कि नहीं, तो आई होप कि जानते होंगे, तो इसमें आपका जो सही है वो है उपधातु, एंटीमनी क्या है, उपधातु, आपके बोर्ड एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया, वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, आप लोग सारे को नोट करना है। तो यहां आपके लिए ये सही है एंड ये सारे क्या है, रॉन्ग है, धातु रॉन्ग है, अधातु रॉन्ग है एंड मिश्र धातु रॉन्ग है, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में एल्काइन है, निम्नलिखित में एल्काइन आपको बताना है, एल्काइन, एल्काइन आपका कौन सा है, एल्काइन का जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n एंड -2। अगर यहाँ आप C की जगह
तीन रख दो तो तीन एंड एच टू, तीन दुनाई छह एंड फोर, तो ये कहीं ऑप्शन हो तो आप मार दो, हाँ यही आपका सही हो जाएगा। ये सारे आपके गलत हैं क्योंकि सिक्स नहीं हो सकता, थ्री सिक्स एट नहीं हो सकता एंड ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारे जितने दिए हुए हैं ये आपका एल्कीन है, ये है एल्केन, ये भी एल्केन है, ठीक है, बट ये आपका क्या है एल्काइन है, सी थ्री एच फोर। तो यहां से आपको फाइव नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा इजी है एंड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर सिक्स, प्रश्न नंबर सिक्स आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में क्षारीय धातु है। अगर आप आवर सारणी थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपको टीचर या फिर हम ही बताए हैं कि क्षारीय धातु, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने आवर सारणी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर में है एक क्वेश्चन, ठीक है, एक पार्ट है। देखो निम्नलिखित में क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु की एक पूरी श्रेणी होती है और उसमें आपको ऑप्शन Na एंड सोडियम एल्यूमिनियम बेरिलियम या जिंक, तो आपके पास Na है, A, V है, AlC है, VE एंड D है, Zn, तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा, तो इसमें से मैं आपको सही आंसर बता दूं निम्नलिखित में क्षारीय धातु कौन सा होता है, तो वो होता है Na, Na जो है आपका वो क्षारीय धातु होता है, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस आपको नोट करना है, याद करना है बार बार, एक बार ना समझ में आए वीडियो देखो, ना समझ में आए दोबारा देखो, आपके फ्यूचर का सवाल है, अगर आप एक 90 अच्छे परसेंटेज ले आओगे ना तो आपका भाई फ्यूचर बन जाएगा, ठीक है, मैं तो आपका फ्यूचर बनाऊंगा क्योंकि ये मेरी गारंटी है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा यार, सब कुछ पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन अब आप लोग मेरा साथ दो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक किया करो, तो मैं बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूं। देखो रुधिर में कितने समूह होते हैं, रुधिर में कितने समूह होते हैं ये आपको पता है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए। देखो रुधिर में कितने समूह होते हैं, ए सिक्स, वी टू या सी फोर या फिर डी एट, आप जानते हो ए होता है, वी होता है, ए वी होता है, ओ होता है, तो अब कितने समूह हो गए, फोर समूह हो गए, तो यहां से आपके चार समूह होते हैं रुधिर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए हृदय में कितनी कक्षाएं होती हैं, तो आप लोगों को हृदय की संरचना अभी सुबह पढ़ाया गया है, तो आप लोग बता सकते हो कितनी कक्षाएं होती हैं, फोर कक्षाएं होती हैं, और आज शाम 7 बजे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, सभी लोग देखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगला प्रश्न नंबर 8 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जो पादप होता है उसमें जाइलम उत्तरदायी होता है, जैसे पादप में जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, बट यहाँ केवल जाइलम की बात की गई है, तो यहाँ आपको बताना है कि जो पादप होता है उसमें जाइलम क्या करने के लिए होता है, क्या करता है, का जल का वाहन एंड सॉरी ए वी अमीनो अम्ल का वाहन, सी भोजन का वाहन, डी ऑक्सीजन का वाहन या फिर ऑक्सीजन। देखो आपके पास चार ऑप्शंस हैं और इसमें से मैं आपको बता दूं, जा से जल यानी कि जल का वाहन करेगा, और फ्लोएम की बात की जाए तो वो भोजन का वाहन करेगा, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, और जा से जल एंड एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, ठीक है, यहां से आप दोनों याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको याद भी हो गया होगा, छोटी सी ट्रिक है, जैसे एफ से फ्लोएम होता है तो एफ से फूड होता है, फूड का वाहन करता है, एंड जे से जाइलम होता है तो जा से जल होता है, ठीक है, ऐसे आप थोड़ा सा ट्रिक से याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा, पूरा जीवन याद रहेगा। अगला देखो, प्राग नली में नर युग्मक की संख्या होती है, अब हमेशा याद रखना प्राग नली में कितने नर युग्मक होते हैं, एक होता है, दो होता है, तीन होता है या फिर आठ होता है, ये तो होते नहीं, ये भी नहीं होते, अब होगा तो एक होगा या दो होगा, अब एक भी नहीं होता क्योंकि नर युग्मक दो होते हैं, ठीक है, याद रखना, इन सबको मैंने डिटेल में चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, मुकुलन पाया जाता है ए प्लेनेरिया में, बी हाइड्रा में, सी लेस्मिनिया में एंड डी कोई नहीं। तो अब आपके पास अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छी चीजें हैं एंड आपके पास ऑप्शंस भी हैं एंड अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में। देखो आपके पास चार ऑप्शंस हैं और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको सीधा टिक किस पर लगाना है, हाइड्रा में, हाइड्रा आपका करेक्ट आंसर है, तो यहां से मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में, 10 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए, अभी और भी हैं, तो अगर आप इन सारे को नोट्स नहीं किए हो तो जल्दी से नोट कर लो, आप वीडियो को पीछे करके नोट कर लो, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, क्योंकि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा और आप लोग अगर नोट बना लोगे तो चार में चांद लग जाएंगे और आप बहुत अच्छे परसेंटेज अचीव कर लोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रश्न नंबर 11, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। देखो ये भाई अनुवांशिकता जो विकास का है, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं, ठीक है, आप उन सबको देखिएगा। देखो सबसे पहले उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, ए लंबे तने, वी झुर्रीदार बीज, सी गोल बीज, डी
फैली हुई फली। देखो इसमें जो लंबे बीज हैं वो प्रभावी होते हैं, समझना, गोल बीज जो होते हैं वो भी प्रभावी होते हैं। अगर वो फैली हुई है तो वो भी प्रभावी होगी, लेकिन अगर झुर्रीदार की बात की जाए तो वो आपका अप्रभावी होता है, क्योंकि वो उल्टा है और अच्छी नहीं है झुर्रीदार। तो यहां आपको ये भी समझ में आ गया, झुर्रीदार आपका करेक्ट होगा, ये आपका अप्रभावी है। ओके समझ में आ गया ना सारे क्वेश्चंस? देखो 11 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, एंड 12वां क्वेश्चन, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। देखो जो मनुष्य का शुक्राणु होता है उसमें ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? अभी मैं एक डैमेज करूंगा और आप लोग तुरंत गलत बताओगे, इसको कर दो 46। चलो जल्दी से बताओ कौन सा सही हो सकता है, ए 22, बी 46, सी 24, डी 44, बताओ जल्दी से। देखो मैं आपको बताऊंगा इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 44। क्यों? क्योंकि आपके ऑटोसोम की संख्या अगर बात की जाए तो केवल 44 होते हैं, कुल गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, जिसमें से दो जो होते हैं ना, दो लिंग गुणसूत्र होते हैं XY या XX, और 44 आपके ऑटोसोम होते हैं। तो अगर ऑटोसोम की बात की जाए तो 44, कुल गुणसूत्र की बात की जाए तो 46, और अगर आपसे लिंग गुणसूत्र की बात की जाए तो दो, ठीक है, एक जोड़ी या फिर दो। ओके समझ में आ गया। अगला प्रश्न नंबर 13, इसमें पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आवर्धन क्या होता है, आवर्धन आपको बता रहा है। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, ए 1, बी 1 से अधिक, सी 1 से कम, या फिर डी अनंत। तो आप याद रखना, अगर समतल दर्पण की बात की जाए तो उसका जो है ना फोकस दूरी तो एक होता है, लेकिन अगर यहां किसकी बात की गई है, हाँ सही है, इसकी जो फोकस दूरी आपका नहीं अनंत होता है, इसकी जो आवर्धन होगा वो एक होगा, ये एक होता है, क्या होता है, प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है वो एक होता है, समझना, ठीक है, समतल दर्पण की बात की गई है, समतल दर्पण का। अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आप छोटे से रहे होंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे, याद भी किए होंगे, टीचर आपके याद भी कराए होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। देखो अगर निर्वात की बात की जाए तो ए 3×10⁷ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर बी 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर सी 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या डी 3×10⁰ मीटर प्रति सेकेंड। यहां आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में प्रकाश इतनी तेजी से चलता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रकाश की चाल काफी ज्यादा तेज होती है। अगला, स्वस्थ आंख के लिए दूरबीन होता है, जो स्वस्थ आंख होता है मतलब उसका कोई भी उसमें दोष नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, और उसका आंख बिल्कुल स्वस्थ है, तो उसके लिए दूरबीन क्या होगा, ए 25 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर, या डी अनंत पर। अगर आपका आंख स्वस्थ है, उसमें कोई भी दोष नहीं है, वो आप तो क्या कर सकते हो, अपनी आंख से जहां तक दिखाई देगा वहां तक देखोगे, अगर बीच में कोई पेड़ ना पड़ जाए, घर ना पड़ जाए, या फिर कुछ और चीजें, तो अगर आपको जहां तक देखने के लिए कह दिया जाएगा वहां तक देख लोगे, इसलिए आप यहां क्या टिक करोगे, यहां आपका टिक होगा अनंत, ठीक है, अनंत हो जाएगा। ओके याद रहेगा ना, अनंत होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा इजी है, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किया गया है, एंड आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, काफी ज्यादा इजी है। तो भाई आप लोग आगे चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर फर्स्ट, देखो लिखा हुआ है, यहां महत्वपूर्ण है सारे क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, मतलब अगर ताजा दूध होता है उसका पीएच मान 6 होता है, लेकिन दही बन जाने पर इसके मान में क्या परिवर्तन होगा, उत्तर समझाइए। सबसे पहले अगर आप एक ताजा दूध लगाते हो, ताजा ये दूध है, तो इसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, और अगर आपका दही बन जाता है तो दही स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, सॉरी खट्टा होता है, और दूध क्या होता है, वो थोड़ा मीठा होता है, ना खट्टा तो बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा मीठा टाइप का होता है। अब समझो, अब आपको पूरा यही समझ में आ जाएगा,
अगर आपका खट्टा होगा तो अगर और ज्यादा खट्टा हो जाए तो उसका पीएच मान में कमी होगी, अगर वो मीठा होगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। अब ये अगर दूध से भी ज्यादा, जैसे दूध खट्टा नहीं होता जबकि दही खट्टा होता है तो दही का पीएच मान कम हो जाएगा। चलो फिर हम लोग देखते हैं। देखो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, ठीक है 6 होता है, परंतु दही बन जाने पर इसके पीएच मान में कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि इसकी खट्टापन बढ़ जाते हैं, ये खट्टा हो जाता है और खट्टा हो जाएगा तो उसके पीएच मान में कमी होगी, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का हो जाता है और अगर अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा तो पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। और अगर देखो समझो, अगर आपका ये पीएच मान में कमी होगी तथा इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ये स्वाद में खट्टा हो जाएगा और जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो इसलिए इसकी क्या होगी? अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी। और इसकी जांच हम इस तथ्य से कर सकते हैं कि ताजा दूध मीठा होता है परंतु दही खट्टा होता है। ताजा दूध जो होता है, अगर ताजा दूध की बात की जाए तो वो थोड़े मीठे टाइप के होते हैं, लेकिन अगर दही की बात की जाए तो वो खट्टे होते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, अगर दूध से दही बनाना है तो दूध का पीएच मान जितना होगा उससे कम हो जाएगा दही का पीएच मान, क्योंकि उसकी जो अम्लीयता है वो बढ़ जाएगी और अगर अम्लीयता बढ़ती है तो उसकी पीएच मान में कमी होगी, और अगर आप चीनी मिला दो मीठापन बढ़ जाए तो उसका पीएच मान ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है जबकि दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है। अपना उत्तर दीजिए। तो काफी अच्छे से उत्तर दे दिया गया, अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग नोट कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब आप ये सारे नोट कर लो, अब आप जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि आप दो लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है पक्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कापर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम बताइए। कापर का नाम सुना है, सीयू। अब कापर के दो प्रमुख अयस्क के नाम बताने हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो भाई वीआईएमपी है, मैंने देखा यार रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्वेश्चन आने का। देखो अब कापर के दो प्रमुख अयस्क, नंबर 1 सल्फाइड अयस्क, नंबर 2 ऑक्साइड अयस्क। ठीक है, सल्फाइड अयस्क एंड ऑक्साइड अयस्क, और सल्फाइड एक्स में होता है कापर ग्लंस जिसमें Cu2S होता है, यस मतलब सल्फाइड, और ऑक्साइड में क्या होता है? O, यानी कि Cu2O। तो यहां आपको बताना है दो ऑक्साइड है, नंबर 1 सल्फाइड एस, और उसके जो एग्जांपल हैं वो है कापर ग्लंस जिसका सूत्र होता है Cu2S। ठीक है, एंड दूसरा है ऑक्साइड अयस्क, और ऑक्साइड एक्स जो होता है उसमें होता है क्यूपराइट Cu2O। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कापर के दो प्रमुख अयस्क के नाम, ये आपको क्लास 12th में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लो, सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लो जल्दी से फटाक से, और सारे क्वेश्चंस को नोट कर लो अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बोर्ड एग्जाम आए आप 2 दिन पढ़ लो और पूरा आपको ध्यान में आ जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, या फिर नहीं किया हो तो वीडियो रोक कर नोट कर लो। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। योगात्मक अभिक्रिया, योग मतलब होता है जुड़ना, और योगात्मक का मतलब भी होता है जुड़ना, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना, लेकिन यहां आपको उदाहरण भी देकर समझाना है। तो आप समझ लो कि योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। 2 पदार्थ 3 पदार्थ 4 पदार्थ जितने भी पदार्थ हो वो आपस में संयोग करेंगे, एक पदार्थ बनाएंगे, तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है। 2 पदार्थ यहां है, देखो एक तो CH2 है प्लस हाइड्रोजन जोड़ दिया गया, इन दोनों को जोड़ा गया है तो एक पदार्थ बना है। क्या बना है? CH3CH3। एंड ये आपका क्या है? ये है Na, और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ये आपका उत्प्रेरक है। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म करना है, एंड आपका CH2 डबल बाइंड CH2। ठीक है, एंड प्लस H2, एंड आपको हाइफन लगाना है, फिर सॉरी हाइफन नहीं, ओ गिव्स आउट CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। देखो एक होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है IPSC नाम पढ़ाएंगे बहुत जल्द, ये होता है डबल बॉन्ड, ये होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है एल्केन, ये होता है एल्केन, ये होता है एल्काइन। ठीक है, समझ लेना, IPSC नाम बहुत जल्द पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा तथा उदाहरण, नोट कर लो जल्दी से, जो स्टूडेंट नोट नहीं किया नोट कर लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो भाई, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि आहार नली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। आहार नली यानी कि मैंने आपको पढ़ाया क्या था, एक पढ़ाया था पाचन तंत्र,
पाचन तंत्र पढ़ाया था उसमें मैंने कई सारे भाग पढ़ाया था, याद होगा जितने इसमें भाग है ना उन सारी चीजों को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। क्या नहीं पढ़ाया कि नहीं, पाचन तंत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो पढ़े हो ना तो आहार नली के सारे भाग आप जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। आहार नली के विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं, क्या है निम्नलिखित हैं, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर फोर, नंबर फाइव, ठीक है पांच भाग बताऊंगा। नंबर फर्स्ट मुख हुआ मुख गुहा, आपको पता है मैंने पहला ही टॉपिक पढ़ाया था पाचन तंत्र में मुख हुआ मुख गुहा। दूसरा ग्रसनी पढ़ाया था, जैसे लिखा हुआ है लाइन से वैसे मैंने लाइन से पढ़ाया था, ग्रस नली लिखा हुआ है, अमाशय एंड आंत, आंत में आपके दो आंत आते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, ठीक है तो याद रखना आंत नाम आ गया तो हो गया। ठीक है तो यहां से आपका आहार नली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए, तो आपने लिख दिया पांच भाग मैंने बता दिए, और अगर आप ऐसा लिख दोगे दो नंबर का रहेगा, दो नंबर टाक से मिलेगा, कोई काट नहीं पाएगा भाई, ठीक है तो इसलिए आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लो, नोट नहीं किया हो तो, एंड इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लिया करो जितने क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना मैं क्यों बताता। तो पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसे नोट कर लो, नोट बना लो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। अगला क्वेश्चन देखो, जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है, मैंने बताया था जाइलम क्या करता है फ्लोएम क्या करता है, फिर वही चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दोबारा लिया है। ठीक है देखो, जाइलम ऊतक पौधों में जल स्थानांतरित करता है, आपको पता है कि जाइलम जो होता है, जाइलम एक ऊतक है जो पौधों में जल का स्थानांतरण करता है, किसका स्थानांतरण करता है, जल का स्थानांतरण करता है, जबकि जबकि पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करता है। ये दोनों चीजें याद रखना, एक तो जाइलम होता है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। जाइलम क्या करता है, जल का वाहन करता है, फ्लोएम किसका, भोजन का वाहन करता है। तो जाइलम ऊतक जो है ना पौधों में जल स्थानांतरित करता है, जबकि पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है ये दोनों ऊतक हैं और ये अपना काम करते हैं, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो फिर अगला देखते हैं। देखो द्विखंडन व विखंडन या फिर द्विखंडन या बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है। ठीक है तो देखो द्विखंडन, इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव को दो भागों में विभक्त होता है, द्व मतलब दो, खंडन मतलब टूटना, तो इस विधि में क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होते हैं, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये एक कोशिकीय जीव है और ये दो दो बराबर भागों में टूट जाता है और दो नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है, और इसमें जो प्रत्येक भाग है ना एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं, एक नए जीव का निर्माण करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं द्विखंडन। और बहुखंडन का अर्थ है कि इस विधि में एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में विभक्त हो जाता है, बहु मतलब होता है बहुत और खंडन मतलब होता है टूटना, तो बहुखंडन मतलब होता है इस विधि में एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में विभक्त होता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है। इसमें इसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी याद रखना। ठीक है तो ये भी आपको याद हो गया होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है, तो अनुवांशिकता के जन्मदाता है ग्रेगर जान मेंडल। आप लोग कमेंट करना मटर, इससे नहीं लिखते हैं, का वैज्ञानिक पढ़ाया गया है ऑलरेडी, नाम मटर का वैज्ञानिक नाम कमेंट बॉक्स में बताना। ओके तो ये हैं साइंस के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बता दिया। ठीक है अब भाई ये आपको याद करना होगा, एंड आईएमपी हैं अपने बोर्ड की तैयारी करने के लिए, इसको नोट कर लो अच्छे से, नोट्स बना लो क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।